अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th मैथ साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 11 थ्योरम नंबर 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड विज़िट आवर फेसबुक पेजेस एजुकेटर्स मेनिया एंड IT विद SM, दोनों को लाइक भी करें। एंड अगर आपको क्वेश्चन वाइज लेक्चर्स और नोट्स की ज़रूरत हो तो educatorsmania.com को विज़िट करें। Now the statement is, if the angle subtended by two chords of a circle or congruent circles at the center, corresponding centers are equal, the chords are equal। यानी कि अगर जो एंगल्स हैं दो कॉर्ड्स से सबस्टेंडेड जो एंगल्स हैं, यानी दो कॉर्ड्स हम कोई कंसीडर करें सेम सर्कल में या दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में, तो जो एंगल्स वो अपने सेंटर्स पे बनाएंगी वो दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। देन if the angle subtended by two chords of a circle are congruent circles at the center are equal, the chords are equal। यानी कि अगर ये एंगल्स इक्वल हैं, दैट इज़ जो भी दो कार्ड्स सबटेंड कर रही हैं एंगल, सेम सर्कल की दो कार्ड्स अगर सबटेंड कर रही हैं एंगल, वो दोनों इक्वल हैं, या दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की कार्ड्स के सेंट्रल एंगल्स, कॉरिस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो दोनों कार्ड्स इक्वल होंगी। यानी जो प्रूफ हमने करना है, दी कार्ड्स आर इक्वल, यानी गिवन में है हमारे पास ABCD, A डैश, B डैश, C डैश, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं विद सेंटर्स O एंड O डैश रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमने दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ले लिए हैं। फर्स्ट केस जो है सेम सर्कल वाला वो हम छोड़ देंगे। हर थ्योरम में हम यही कर रहे हैं कि डिफरेंट सर्कल्स के लिए प्रूव कर देते हैं, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव इट फॉर सेम सर्कल्स आल्सो। तो डिफरेंट सर्कल्स के लिए हमने स्टार्ट कर दिया। दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं ABCD, A डैश, B डैश, C डैश विद सेंटर्स O एंड O डैश रिस्पेक्टिवली, और इनके कॉर्ड्स जो हैं वो हैं AC और A डैश, C डैश। तो ये जो सबटेंड कर रही हैं एंगल वो है AOC एंड A डैश, O डैश, C डैश, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। ये गिवन है हमारे पास और हमने प्रूफ ये करना है कि ये कॉर्ड्स इक्वल हैं, यानी कि AC इज़ इक्वल टू A डैश, C डैश। तो ये चूँकि प्रूफ करना है तो हम दो ट्रायंगल्स ये ले लेंगे AOC इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू A डैश, O डैश, C डैश। दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम मेयर साइड OA को इक्वल लिख देंगे मेयर साइड O डैश, A डैश के, क्योंकि रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं। तो इसी तरह से दोनों एंगल्स AOC और A डैश, O डैश, C डैश ये गिवन है तो ये भी लिख दिया। इसी तरह OC और O डैश, C डैश रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स अगेन आ गया, तो वो भी लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ही हैं। तो जाहिर है कि ट्रायंगल OAC विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल O डैश, A डैश, C डैश, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, और हैंस AC विल बी कॉन्ग्रेंट टू या इक्वल टू A डैश, C डैश, साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट्स। और हमारे फेसबुक पेजेस IT with SM और एजुकेटर्स मेनिया को लाइक करें, शेयर करें, और इसके अलावा यू कैन विज़िट आवर वेबसाइट फॉर कंप्लीट क्वेश्चन वाइज नोट्स, दैट इज़ educatorsmania.com। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।